टुडे वी टॉक अबाउट माय फर्स्ट गेमिंग पीसी कह लो या एडिटिंग पीसी। अब थंबनेल से आपको आइडिया वैसे हो गया होगा, तो मैं आपको आज बता दूं कि मैं रिसेंटली जब मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन मेरी जो कंप्लीट हुई थी उसके बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया वगैरह वगैरह, मैंने आपको वीडियोस आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखी तो वो आपने देख लिया तो कोई बात अच्छी बात है। ये मेरी उन इन्वेस्टमेंट्स में है जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोच रखी थी करनी है और कर ली, ठीक है। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने पीसी की थोड़े से स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टार्ट। अगर आपको ध्यान से दिख जाए तो i5 12th जनरेशन, अब i5 12th जनरेशन इसी साल लॉन्च हुआ है तो इसीलिए मैंने इस साल ये लगवाया है। ये i5 12th जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये एफ सीरीज़ का है। इसमें बहुत सीरीज़ होती हैं दो तीन, उसके बारे में आपको कुछ बोल नहीं सकता, मेरा कोई सेंस नहीं बैठता उसे बोलने का। तो ये ग्राफिक इंटीग्रेटेड नहीं होता है, इसको इस वाली सीरीज एफ सीरीज़ को यूज़ करने के लिए ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, इसीलिए मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया है। और मुझे लगाना ही था तो फ़र्क पड़ता नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा ये सस्ता पड़ जाता है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के मुताबिक। छोड़ ज़्यादा ही डिटेल हो जाए, ये है हमारा मदरबोर्ड। अब जिन लोगों को नहीं पता मदरबोर्ड क्या होता है तो छोड़ दो भाई जी ना, तुम्हें कुछ नहीं पता मदरबोर्ड के बारे में, नहीं पता। तो अब जिन लोगों को नॉलेज है उन्हें बता दूँ, ये है H610MH DDR4। अब DDR4 ये रैम के लिए होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में मुझे खुद नॉलेज नहीं है, मैं आपको क्या कुछ नहीं बता सकता इसलिए। बट ये एक 12th जनरेशन कैपेबल मदरबोर्ड है, टॉप और पीसी की जान जो आजकल चल रही है SSD। ये 240 SSD अगर आपको दिख रही हो तो। अब तो रैम मैंने DDR4 ही यूज़ की है, 16 GB स्लॉट में लगाई गई है। उसका रीज़न ये है कि बोर्ड में दो ही रैम लग सकती हैं एक बार में, और ये 64 GB सपोर्टेबल बोर्ड है तो मैंने 16 GB लगाना पसंद किया एक बार में। और अब इसके बिना PC चल ही नहीं सकता, पावर सप्लाई। सो ये है हमारी 500 वॉट की पावर सप्लाई, CG रॉ पावर जो भी है यही है। मैं अगर आपको देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ। अब ये चीज़, ये वो चीज़ है जिसे नॉर्मल गेमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसके नाम से तो PC में जान सी आ जाती है, ये है ग्राफिक कार्ड। अब ये है हमारा गैलेक्सी का GeForce GTX 1630 EX, अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाए। हाँ, तो ये एक 16-17-18 हज़ार की रेंज का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का है। अब अंदर का तो सारा आ गया, बाहर का तो दिखना चाहिए ना, ये बड़ा है ना, बहुत बड़ा केस है। तो ये है हमारा 3100C या 310C कह सकते हो। अब ये है कूलर मास्टर का 3100C, ये कोई RGB वाला सिस्टम नहीं है, इसमें जो भी सिस्टम में जो भी सामान लगा है RGB से रिलेटेड कुछ नहीं है, एक नॉर्मल PC कह सकते हैं इसे देखने में। हाँ, बहुत बड़ा है, CPU अच्छे खासी वही है, गेमिंग PC के साइज़ का है, नॉर्मली वही है, गेमिंग PC है आप कह सकते हैं पूरा। माउस मैं लॉजिटेक का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको दिख जाए सही से तो ये है M90 फुल साइज़ माउस है, जो माउस का फुल साइज़ आता होगा इसमें फुल साइज़ है, ये प्रोफेशनली यूज़ होने वाला माउस है, ये नहीं है कि कोई। और इस माउस, ये माउस करीबन 250-300 का पड़ जाता है। और कीबोर्ड में नहीं आता, ये मैंने बहुत पहले ले लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं लैपटॉप में एडिटिंग करता था, लैपटॉप में टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने कीबोर्ड खरीद लिया था। करीबन ये 1800-1900 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको। ये गेमिंग कीबोर्ड है जिसमें RGB लगी हैं, मेरे PC में नहीं है। तो
अच्छा खासा कीबोर्ड है, साउंड बहुत अच्छा है, और फायर ब्लेड करके इसका नाम है कुछ, मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे इस पीसी में हार्ड ड्राइव है 2 TB की, और SSD मैंने आपको बता दी है, RAM 16 GB की, SSD 240 GB की थी। तो और कुछ होता है पीसी में? आई थिंक नहीं, और कुछ नहीं था। हाँ, मॉनिटर, इसके बारे में भूल गए। तो मॉनिटर का बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो एक्चुअली फ्रेम में, रियलिटी बताएं तो फ्रेम में भी नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी कुछ फुटेज, वो कौन सा है। तो यही वो मॉनिटर है, LG का 29 इंच अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले, 29W L50S, मैं भूल जाता हूँ उसका, बहुत पहले छोड़ो। तो ये है मेरे जो भी है PC की स्पेसिफिकेशंस या PC में जो मैंने लगाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें। और कुछ भी अगर आपको परेशानियाँ हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी बोलना हो, आप कमेंट कर सकते हैं।